नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारे चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां हम मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज के वीडियो शुरू करते हैं और एक बहुत अच्छी वेबसाइट लेकर आपके लिए आया हूँ। नाम है उसका draw.io करके, ये आप देख सकते हैं। और जैसे ही आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, ये देखिए यहाँ पर app.diagram.net करके draw.io लिखा हुआ है। इसको ओपन करते हैं और फिर मैं आपको समझाता हूँ ये एक्चुअल में करता क्या है। दोस्तों, ये फ्लो चार्ट मेकर है, ऑनलाइन डायग्राम बनाने का एक सॉफ्टवेयर है, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। आप इस पर कमाल का काम कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि आप अगर कोई प्रोजेक्ट बना रहे हों, वो स्कूल से लेके कहीं तक हो सकता है, कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हों, कोई भी ऐसा काम कर रहे हों जिसमें आपको डायग्राम जो है फ्लो के फॉर्म में दिखाना है, और फ्लो के फॉर्म में दिखाने के लिए आप चाहते हैं कि कुछ एडवांस लेवल का डायग्राम हमारा होना चाहिए, और जो कॉमन सी एमएस हम कह सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जो आता है, वो सब ना आकर जो है बहुत ही अच्छे लेवल के अगर हमें डायग्राम चाहते हैं, तो आप इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट कीजिए। दोस्तों, ये जावा स्क्रिप्ट देखिए लोड हो चुकी है। अब ये आपसे पूछ रहा है, ये देखिए इतनी सारी चीज़ें हैं, गिट लैब, गिट हब, ड्रॉप बॉक्स, कहाँ पर सेव करना चाहते हो भाई बता दीजिए। गूगल ड्राइव पर, गिट हब भी बहुत पॉपुलर है दोस्तों। अभी डिसाइड लेटर कर सकते हैं आप, या मैं इसको डिवाइस कर देता हूँ कि मैं मेरे डिवाइस में करना चाहता हूँ। चलिए एक नया डायग्राम बनाते हैं, और डायग्राम बनाने के बाद जो है आप यहाँ पर जो सैंपल्स देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये अलग अलग तरीके के दे रखे हैं। अगर आपको PNG बनाना है, कुछ और करना है, ब्लैंक डायग्राम है, जनरेट करना है, बेसिक टेम्पलेट अगर आपको देखनी है, क्लास डायग्राम अगर आपको देखने हैं, माइंड मैप अगर आपको देखने हैं, तो ये काफ़ी सारे जो है इसके अंदर वो दे रखे हैं। ये देखिए दोस्तों, अगर आपको कुछ ऑलरेडी आपका है तो आप अपने सिस्टम से भी उठा सकते हैं, और सिस्टम से उठाने के बाद भी जो है आप इसको बना सकते हैं। चेंज करना चाहते हैं स्टोरेज, तो ये देखिए वापस आप चेंज कर सकते हैं, डिसाइड लेटर कर सकते हैं, और ये डायरेक्ट आपको उस विंडो पर ले आएगा जहाँ पर ये फॉर्म जो है बनाए जाते हैं आप। और ये जो दोस्तों पैनल है, और ये बहुत अच्छा पैनल है, आप देख सकते हैं ये अलग अलग तरीके की चीज़ें आपको दे रखी हैं। मैं न्यू पर आ गया हूँ, न्यू पर आने के बाद ये आपको ऑप्शंस देना शुरू हो गया है। मान लीजिए कुछ बिजनेस मॉडल पर बनाना है, क्लाउड पर बनाना है, इंजीनियरिंग पर बनाना है, फ्लो चार्ट पर बनाना है, मैप पर बनाया है, नेटवर्क पर बनाना है, कितनी सारी ढेरों चीज़ें ये आपको दे रखी हैं। आप जिस भी इंजीनियरिंग फील्ड को फॉलो करते हैं उसके रिगार्ड्स आप बना सकते हैं। मान लीजिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको क्रिएट करना शुरू करते हैं। हमने क्रिएट पर क्लिक कर दिया है, ये देखिए बनकर आ गया है, कितना सुंदर लग रहा है देखने में। आप इसको अगर कुछ डायनामिक बनाना चाहते हैं, ये देखिए छोटा बड़ा करना चाहते हैं, नाम कुछ और लिखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो है ये लिखा हुआ है, यहाँ पर अलग अलग वैल्यूज़ हैं, और ये एडिट करने के सारी चीज़ों के बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, क्रॉप करने के, कॉपी स्टाइल के। दोस्तों, इन सभी को एक वीडियो में समझाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये आपके करने पर ही आएगा। जैसे जैसे आप इसको सीख लेंगे, आप जो जो इन फॉर्म्स को यूज़ करना शुरू कर देंगे, तो आपको समय में आने लगेगा कि आपको एक्चुअल में इसमें करना क्या है। वैसे ये बहुत अच्छी चीज़ है, और अगर आप देखिए ऐसे कुछ एडिट करना चाहते हैं, कोई रंग उसका कलर चेंज करना चाहते हैं, टेक्स्ट का आप जो है फॉर्म चेंज करना चाहते हैं, कहाँ दिखना चाहिए, बोल्ड, इटैलिक, लेटर, ऊपर होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, ये सभी तो है। यहाँ जो कॉमन सा हम एमएस ऑफिस चलाते हैं, उसी तरीके के यहाँ पर कुछ बटन्स और दे रखे हैं, और जो कि आपके अलग अलग कामों में ज़रूरत पड़ते हैं। यहाँ पर ये डिलीट ऑप्शंस, ये सब बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं। एडिट के लिए आप ये ऑप्शंस देख सकते हैं यहाँ पर, एडिट अगर आपको पर्टिकुलर उसको करना है, देखने के तरीके में अगर आपको कैसे देखना है, किस लेआउट में देखना है, ये सभी आपको यहाँ दे रखा है। ये जनरल देखिए कितने सारे आपको वो दे रखे हैं। क्लिप आर्ट में अगर आप चले जाएंगे, तो ये देखिए कंप्यूटर के आपको बड़े बड़े फ़ोटोज़, लोगो, मीनो, जो भी आपको उठाने हों। फाइनेंस में चले जाएंगे तो ये यहाँ पर पैसा वगैरह मिलने लगेगा। नेटवर्किंग में चले जाएंगे तो नेटवर्किंग से रिलेटेड चीज़ें आपको मिलने लगेंगी। ये मतलब सीधा सीधा मेरा कहना ये है कि ये भंडार है, और बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत शानदार चीज़ है ये। अब दोस्तों करना क्या है आपको, मैं दिखा देता हूँ। ये जो आपका आ गया है, इसको फाइल पर जाइए,
एक्सपोर्ट करिए, और एक्सपोर्ट करने के देखिए ज़माने भर के फॉर्म हैं, PNG, JPG, वेब पर, SVG में, PDF में, HTML में, XML में, URL में, और जो भी आपको करना है। हम ज़्यादातर जो बैकग्राउंड लेस चीज़ होती हैं हम PNG में कर लेते हैं उसको। ये मैंने PNG में कर लिया है। ये पूछ रहा है जूम वूम तो नहीं करना है, डायग्राम रखना है, पेज रखना है, अपीयरेंस कैसा रखना है, एक्सपोर्ट कर लीजिए। एक्सपोर्ट करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, ये मैंने जो है नाम लिख दिया है। कहाँ सेव करना है एक बार फिर से पूछ रहा है, डिवाइस पे कर देते हैं और सेव कर देते हैं। ये देखिए सेव हो गया है। सेव होने के बाद मैं इसको यहाँ पर दिखा देता हूँ ओपन करके। ये देखिए दोस्तों आपका डायग्राम बनकर आ गया है, और ये डायग्राम में ये जो कलर चेंज किया है ये बाकी के सेम थे। ये सारे इफ़ेक्टिव चीज़ें आपको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा काम आ सकती हैं। अगर आप थीसिस राइटिंग लिखते हैं, रिसर्च पेपर बनाते हैं, कंपनी के लिए प्रोजेक्ट बनाते हैं, स्कूल के लिए प्रोजेक्ट बनाते हैं, कॉलेजेस के लिए प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो यह वेबसाइट आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। और बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, बहुत ज़्यादा जो है मुझे लगता है कि इसमें आपको रिसोर्सेज लगने नहीं हैं। आप जैसा भी चाहें आप यूज़ कर सकते हैं, जिस भी लेआउट को आप यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं, इसको यूज़ कीजिए। और आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये वेबसाइट कैसी लगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।